हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन में चैप्टर नंबर 5 है एंड दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका हम एक और पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो है ये। आज हम देखेंगे सिर्फ इस वीडियो में कि जो हमारे अलग अलग प्रकार के एसिड्स हैं कौन कौन से हैं, क्या हमारा डे टू डे लाइफ में उनका यूज है अलग अलग जगहों पे, और इसी प्रकार से जो बेसिस होते हैं कॉमन बेसिस कौन कौन से और क्या उनके यूजेस है। तो इसके लिए आपको जितने भी एसिड्स हैं और बेसिस, एक बार उनके फॉर्मूले और नेम्स आप लर्न कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें होगा गिव सम यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चों आपके छोटे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या इन जनरल आपको, क्योंकि खूब सारे यूजेस मैंने दे दिए हैं तो आपको 4-5 यूजेस अपनी तरफ से लिख सकते हो, अदरवाइज जनरली छोटे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं टॉपिक में से, क्लियर। चलिए तो सबसे पहला देखते हैं हम एसिड्स के बारे में। जो हमारे तीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो जो मिनरल एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। समझ में आ गया। ये जो तीन एसिड्स होते हैं बच्चों, ये ड्रग इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं तरह तरह की दवाइयां बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, क्लियर है। ड्रग्स मतलब दवाइयां, ठीक। उसके बाद जो मिनरल एसिड्स हैं, यही तीनों, दे आर आल्सो यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी बहुत अधिक मात्रा में ये यूज होते हैं तरह तरह के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद अगला हमारा जो HCl है, नाइट कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों इस एसिड की मदद से हम कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयां, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं पेस्टिसाइड्स के नाम बता रहा हूँ, इंसेक्टिसाइड्स। हमारा पहला जो बच्चों इंसेक्टिसाइड वो हमने जो बनाया था, ये बनाया था 1940 में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय बनाया था। उसमें मलेरिया और तरह तरह के जो बीमारियां थी, मलेरिया का खासकर बहुत ज्यादा प्रकोप होता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे, और उसको फैलाने वाला जो जीव है वो है इंसेक्ट, जो कि एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट को मारने के लिए बड़े पैमाने पे कीटनाशक दवाइयां बनाने का उस समय प्रयास हो रहा था। पहला जो दवाई बनी थी वो थी ये DDT बनी थी, 1940 में बनी थी बच्चों, और इससे काफी लगाम लगाया गया था, मलेरिया पे कंट्रोल काफी हद तक संभव हो पाया था, ठीक है। तो DDT का फुल फॉर्म बच्चों डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, और अगर याद ना हो पाए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ DDT से काम चला लेंगे, DDT। उसके बाद एक और हमारा कंपाउंड है BHC। बच्चों आप ये दवाइयां बीज भंडार से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, कीटनाशक दवाइयां हैं। BHC यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बच्चों इसका एक और नाम भी है, गेमेक्सीन भी बोलते हैं इसको, या फुल फॉर्म इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ नॉर्मली इसको कटीड़ की दवाई बोलते हैं, एंड कहीं पर चींटी वगैरह निकल आती है, ढेर लग गया चींटियों का, फ्लाइज आ गई तो उसके ऊपर छिड़क देते हैं तो चींटियां मर जाती हैं या भाग जाती हैं, ठीक है कि नहीं है। तो चींटियों को रिपेल करने के, किल करने के काम आता है इंसेक्ट, दीमक वगैरह से बचाव हो जाता है, ठीक है। तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो इन दोनों में क्या है, देखो नाम ही दिख रहा है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो, क्लोरो आ रहा है ना, तो HCl से आया है। और इसी प्रकार से बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 6-6 क्लोरीन एटम्स हैं इस कंपाउंड में, ये क्या है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए काम आते हैं। और भी बहुत सारे, तो मैंने एक दो एग्जांपल बता दिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग टाइल्स, वॉश बेसिन एंड सैनिटरी वेयर, हमारे बाथरूम्स में, ठीक है कि नहीं, क्या वॉशरूम्स में जो टाइल लगी होती हैं, वॉश बेसिन वगैरह हैं, सैनिटरी वेयर है, सोप केस वगैरह है, ये सबको हम क्लीन करते हैं तो एसिड डाल के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा हार्पिक वगैरह आता है, इसमें भी एसिड्स डाला होता है, HCl होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल टाइल्स पे लगे हुए दाग जब धब्बे हैं, वॉश बेसिन पे लगा हुआ जो है, टॉयलेट सीट पे लगा हुआ जो धब्बे हैं, उन सबको निकाल देता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको क्लीन के लिए यूज करते हैं। तो बॉटल्स में मिलता है ये मार्केट में, आपको जो हार्डवेयर की दुकानें होती है ना, जहाँ पे ये सैनिटरी वेयर मिलता है, तो वहीं पे ये टाइल्स, ये बॉटल्स वगैरह भी रखते हैं। इवन पंसारी की शॉप पे भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना, HCl। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एसिड इन इंडस्ट्री एज वेल एज होम्स, ठीक है। सबसे अधिक वॉल्यूम जो होता है इस एसिड का यूज होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। और इसीलिए बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्री एज वेल एज हाउस होल्ड, इस एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों कोई भी कंट्री कितना उन्नत है इंडस्ट्रियली, वो इस बात से पता लगता है कि वहां पे इनकी खपत कितनी है। तो दिस एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ
केमिकल्स एंड इट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरीज। तो बच्चों हमारे घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज, मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालने पर आयंस बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता हो, इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है हमारे इन्वर्टर की बैटरीज में, इसीलिए इसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, CH3COH, इसी को हम वेनेगर एसिटिक एसिड, प्योर एसिड तो एसिटिक एसिड होता है, इसका नाम इथेनोइक एसिड भी है या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके जो मिश्रण बना देते हैं वो वेनेगर होता है। ये अचार के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, तो एसिटिक एसिड वेनेगर सिरका बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में इसको, तो एसिटिक एसिड इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। ठीक, उसके बाद और हमारे कई खाने हो गए माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो खाने पीने की चीजों से हमको मिलता है, टमाटर में हो गया, नींबू में हो गया, इमली में हो गया, माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक साइट्रिक एसिड, ये नींबू के सत्व से मिलता है, नींबू के अंदर ये एसिड होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, मिठाइयां बनाते हैं। तो बच्चों मिठाइयां जैसे दूध से मिठाई बनानी है हमको, रसगुल्ला बनाना है, तो रसगुल्ले में पनीर पहले क्या, दूध को गर्म करके उसका छेना निकालना पड़ेगा, उसी से रसगुल्ले बनते हैं, छेना निकालने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है, तो दूध के अंदर हम साइट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो उससे उसका छेना तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद रसगुल्ले बनाए जाते हैं। जो भी मिठाइयां दूध से बनती हैं वो उसको फाड़ करके कई बार बनाई जाती है, सारा जरूरी नहीं फाड़ना, बर्फी के लिए नहीं फाड़ना पड़ता, लेकिन रसगुल्ले के लिए फाड़ना पड़ता है, पनीर बनाना तो फोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सो साइट्रिक एसिड इट इज यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। इसी प्रकार से टार्ट्रिक एसिड बच्चों इमली के अंदर मिलने वाला एसिड है और ये बेकिंग पाउडर का एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। तो टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स मिक्स करने से बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग सोडा कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में आगे बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। उसके बाद बच्चों आग बुझाने का यंत्र आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल में भी लटका होगा रेड कलर का ऑफिस के सामने, ठीक है ना, आग बुझाने के अंदर, उसके अंदर बच्चों एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में उसके ऊपर एक छोटी सी एसिड तो बॉटल में बंद करके रखते हो, नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर या फिर घोल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कहीं पे आग लग जाती है तो क्या होता है, उसके ऊपर के नॉब पे जोर से हथौड़ा मार के हम चोट करते हैं, अंदर की कांच की बोतल टूट के नीचे गिर जाती है, एसिड संपर्क करता है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था केमिकल रिएक्शंस में एसिड का रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 और वाटर बनेंगे, तो CO2 गैस बताया था क्या बिल्कुल झाग सा बना लेती है, बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा उसके अंदर तो नोजल से वो CO2 गैस तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, और CO2 गैस के साथ में पानी बनेगा, पानी के छींटे भी बाहर निकलेंगे, तो कोई भी जलती हुई चीज पे CO2 गैस चार तरफ से घेर लेती है उसको, तो CO2 गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से भारी होती है, वो चार तरफ से जलती हुई चीज को घेर लेगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देगी, तो आग बुझ जाती है। और जो पानी के छींटे बनते हैं वो पानी के छींटे जलती हुई वस्तु पे गिरते हैं तो उसका तापमान तुरंत गिरा देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर उसका गिर जाएगा तो फिर वो आग बुझ जाती है, तो इसको बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो रेड कलर की छोटी टैंक होती है सिलिंड्रिकल, उसमें एसिड होता है बॉटल में और अंदर लेते हैं सोडा, मतलब सोडियम का कंपाउंड, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसीलिए इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। समझ में आ गया, तो CO2 और वाटर जो है उसका मिश्रण आग बुझाने का काम करता है। उसके बाद अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड्स को यदि हम 3:1 के रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो ये मिश्रण कहलाता है एक्वा रिजिया। क्या कहलाता है? एक्वा रिजिया। क्लियर है? तो ये मिश्रण जो होता है बच्चों, पुरानी जो ज्वेलरी है अगर उसमें पुरानी ज्वेलरी सोने की या चांदी की बनी हुई है, उस ज्वेलरी को यदि हम इस मिश्रण से धो दें तो ऊपर का जो कचरा पचरा सब डिजोल्व हो जाता है, चमक आ जाती है, तो ये नॉर्मली पुरानी ज्वेलरी को शाइन देने के काम में आता है, इस मिक्सचर को एक्वारिजिया बोलते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिक्स इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड एक्वारिजिया। इट इज यूज्ड फॉर गिविंग शाइन टू ओल्ड ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी को ये चमक देता है। इट कैन डिसॉल्व इवन नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी जो होते हैं नोबल मेटल्स, उसको भी घोल सकता है, तो इसी को हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं अगला, हमारे कुछ कॉमन हम बेसिस के यूजेस देखेंगे। ठीक है, बेसिस मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर है? मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। तो फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस, NaOH और KOH हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं,
ये सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आते हैं। इसी चैप्टर में आगे देखेंगे हाउ आर दिस यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। एनएओ जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आर्टिफिशियल सिल्क या रेयन बनाने के काम आता है। ये हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से हाउ इज इट यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयन। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये लिक्विड सोप, तो एनएओएच तो होता है साबुन बनाने काम आता है सॉलिड, और केओ जो होता है लिक्विड सोप बनाने के काम आता है, शैंपूज हो गया, जेल्स हो गया, फेस वॉश, क्रीम्स, शेविंग क्रीम्स। तो लिक्विड जो शैंपू सोप हो गया या फिर हेड वॉश हो गया, शेविंग क्रीम्स हो गया, इसमें केओएच यूज होता है। पोटेशियम सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 मैंने बताया था अभी, ये किसमें यूज होता है, ये इनो का एक कंपोजिशन में यूज होता है। तो इट इज ए बेसिक सॉल्ट, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किसी क्या साइट्रिक एसिड के साथ मिक्सअप करके इनो सॉल्ट बनाते हैं जो कि एसिडिटी की दवा है। तो जो एंटासिड की तरह काम करता है ये, इसको यदि पानी में घोल करके पी लेते हैं तो तुरंत जो एसिड है वो घुल करके इसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 बनता है, CO2 का झाग जो होता है और साथ में वाटर बनेगा। ये बेसिक मिश्रण है, ये तुरंत एसिडिटी होती है स्टमक की उसको कंट्रोल में कर देता है, राहत मिलती है, जलन नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बच्चों ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कम पानी में घुलता है, तो ये पानी में इसका घोल एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं होता, ये एक तरह का सस्पेंशन है, तो पाउडरी पाउडरी हमारे मुंह में आएगा। इसकी टेबलेट्स भी बनाई जाती हैं, इसको हम एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सिर्फ मार्केट में मिलता है जेलोसिल के नाम से, गैसोफास्ट के नाम से, और इसकी टेबलेट्स भी आती है डाइजीन की, पिंक कलर की टेबलेट्स आती है, सिर्फ भी पिंक कलर का आता है, तो ये एसिडिटी की दवा है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमको राहत देते हैं, वो एंटासिड कहलाते हैं। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। समझ में आ गया, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। एक मार्क का क्वेश्चन आता है इस पे। चलिए उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर, ये कई बार हम मिट्टी में ऐड करते हैं मिट्टी की एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि बेसिक नेचर का, तो मिट्टी में यदि एसिडिक लक्षण ज्यादा हो गए, क्रॉप प्रोडक्शन में बाधा आ रही है, तो मिट्टी में एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें ये चूने का पानी, लाइम वाटर डाल देते हैं, जिससे मिट्टी क्या है बेसिक हो जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त हो जाती है। इसके अलावा पुताई के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सिलिकेट लाइम भी बोल सकते हैं उसको, तो इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद चूने को पानी में मिला करके बनाया जाता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम क्या है बेकिंग सोडा के इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा के साथ हम टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा जो है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कई फूड आइटम्स में डलता है उसको क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग के दौरान, ठीक है। बिस्किट्स वगैरह हो गए फॉर एग्जाम्पल, या फिर तलने वाली जो भी चीजें होती है। मैनी बेसिस आर यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं जो लेबोरेटरी में इंपॉर्टेंट केमिकल्स के रूप में यूज होते हैं, तरह तरह के केमिकल रिएक्शन में। तो बॉटल्स में कई बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे केमिकल्स के रूप में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों इसको हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं। पेट्रोलियम में कई बैड स्मेल कॉज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये क्रूड ऑयल है, जानवर जो मैराइन एनिमल्स होते हैं उनके डेड बॉडी से बना, कई उसमें स्मेल कॉज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनमें से NaOH जो होता है उसको निकाल बाहर करता है, तो इसमें से इसकी रिफाइनिंग में हेल्प करता है। उसके बाद एनओएच जो होता है उसको हम अल्कलाइन बैटरीज में भी यूज करते हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एसिड यूज होता है बैटरी में, बेसिस भी होते हैं। ये बेसिस बच्चों जिन बैटरीज में यूज होते हैं उन बैटरीज को अल्कलाइन बैटरीज बोलते हैं। ये हैवी व्हीकल्स में यूज होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, क्रेन्स हो गई, ठीक है, बसेस हो गई, ठीक है। तो जो भारी भरकम जो व्हीकल्स होते हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, उनमें बैटरीज जो यूज होते हैं वो अल्कलाइन बैटरीज हो गई, जेसीबी हो गई, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बटन सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होते हैं। बटन सेल्स आपने देखे होंगे जो हमारे घड़ी में डलते हैं, देखे होंगे अपने घड़ी में बिल्कुल छोटे छोटे स्टील के जैसे सेल्स आते हैं, बिल्कुल जरा जरा से, ठीक है। आपकी जो टॉर्च लाइट होती है ना, एलईडी वाली लाइट, उसके अंदर बटन सेल्स डलते हैं, ठीक है। आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा जो बायस बैटरी होती है, बिल्कुल स्टील के तरह का पतला सा चपटा सेल आता है, तो ये बटन सेल्स होते हैं। इसके अंदर KOH पाउडर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है, ड्राई इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। पेपर को जो होता है उसको कलरलेस बनाने के लिए, पेपर को ब्लीच करने के लिए यूज होते हैं पेपर इंडस्ट्री में भी, उसकी रिफाइनिंग के लिए, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट हम पहले भी देख चुके हैं, ये H2SO4 के उसमें देखा था कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, वहां तो एसिड के उसमें लिख दिया, यहाँ हमने बेस के में लिख दिया। तो सोडा एसिड में एसिड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। उसके बाद NaOH जो होता है वो मेटल्स होते हैं ना, धातु,
उसमें चिकनाई हटाने का काम करता है, बच्चों चिकनाई को ये घोल लेता है। तो कई बार देखा होगा गाड़ी मोटर सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, उनके इंजन का काम होना, कोई ट्रक हो गया, कोई जीप कार हो गई, उसके पूरा इंजन का पूरा सर्विसिंग होनी है, तो इंजन को खोल देता है तो उसमें जो कई प्रकार के ग्रीस वगैरह लगाए जाते हैं उसके पार्ट स्मूथली रन करने के लिए, तो ऑयली चिकनाई ग्रीजी वाले पार्ट्स हैं, उसको पानी में धोएंगे तो धुलेगा नहीं, वो चिकनाई हटती नहीं है, तो एनयू से ट्रीट करते हैं तो पूरा मेटल से चिकनाई हट जाती है, और फिर बाद में देखते हैं क्या हिस्सा घिसपिट गया है, किसको कौन सा पुराना हो गया है, कौन सा यूजलेस है, किसको चेंज करने की आवश्यकता है, तब ग्रीस हटाने के लिए हम नॉर्मली ग्रीसिंग चिकनाई हटाने के लिए हम एनओएच यूज करते हैं। एनओएच क्या होता है, चिकनाई हटा लेता, घोल लेता है पूरा। उसके बाद लाइम, चूना जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चूना एक बेसिक मटेरियल है, मेटल ऑक्साइड बेस होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सीमेंट का। पोर्टलैंड सीमेंट, जो हमारे घरों में सीमेंट आती है ग्रे कलर की, उसी को पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो जो सीमेंट होती है, सीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बच्चों, सीमेंट के कट्टे का वजन 50 किलो, उसमें से लगभग 55%, मतलब 22, 23, 25, 26, 27 किलो वजन जो है वो अकेले चूने का है। 50% से भी ज्यादा वजन जो होता है सीमेंट के कट्टे में, वो सिर्फ चूना है, बाइंडिंग मेटल की तरह काम करता है पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है। उसके बाद जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तो इसका मैन्युफैक्चर हम देखेंगे रिएक्शन के माध्यम से कैसे बनता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर, इसमें से क्लोरीन गैस पास कर देते हैं और फिर व्हाइट पाउडरी कंपाउंड बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। वाटर वर्क्स में ब्लीचिंग पाउडर हम डाल देते हैं पानी में, इसकी टेबलेट्स डाल देते हैं, जिससे कि क्या है वो उसमें से जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जर्म्स उसको किल कर देता है। तो वाटर के लिए ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन टेबलेट्स के रूप में डालते हैं, ठीक है। और लाइम वाटर यूज होता है जो कि एक बेस, समझ में आ गया। तो ये थे बच्चों बेसिस के यूजेस। तो आप इसमें से जो मैंने कलर में दिए, इसमें एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आप आ सकते हैं, अच्छे से इसको स्टडी करके, इसको समझ करके नोट कर लेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं पहले बता चुका हूं। एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस ए है, अब आपको पहचानना ए क्या हो सकता है। इट रिएक्ट्स विद एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस ए गैस बी, और ये गैस बी बनती है। तो भैया एसिड के साथ में क्या चीज रिएक्ट करने से गैस बनेगी देखते हैं। विच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस ए क्रैकिंग साउंड। तो बच्चों क्रैकिंग होता है पॉपिंग साउंड, आपने जैसे कभी मक्की सेकी होगी, भुट्टे सेके होंगे, ठीक है, या फिर पॉपकॉर्न सेका होगा तो पट 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 करके आवाज आती है ना। तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे ना तो स्मूथली नहीं, कभी जलती नहीं है, वो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन की विशेषता है। समझ में आ गया, इट डज नॉट बर्न स्मूथली, इट बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ क्रैकिंग नॉइज। तो क्रैकिंग नॉइज के साथ जलने का मतलब हाइड्रोजन गैस बनी। अब एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन गैस कब बनाता है, जब उसमें हम एक्टिव मेटल डाले। समझ में आ गया, हम पढ़ चुके हैं एक्टिव मेटल्स व्हेन रिएक्टेड विद एसिड्स दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या, इट बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, पॉपकॉर्न के जैसे, जैसे पॉपकॉर्न सिकते हैं ना, बस वैसे साउंड आती है। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ए हमारा एक्टिव मेटल है और बी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया, रिएक्शन लिखना है। चलिए, तो सिंस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए क्रैकिंग साउंड, देयरफॉर बी इज हाइड्रोजन गैस। तो बी तो गैस हाइड्रोजन है, ए इज सम एक्टिव मेटल, और हमको पता है कि डाइल्यूट एसिड के साथ में एक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, तो ए कोई एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मतलब हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के स्थान के, 10 हमने बताए थे, PsCMAZINTL, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक मैग्नीशियम में से कोई सा भी ले लो, हमने जिंक ले लिया। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने डाला जिंक की ग्रेन्यूल्स, तो जिंक की ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उसको हटा देगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जिंक सल्फेट बन गया, +2 -2 चार्ज बैलेंस हो गया, एक्वस स्टेट में आ गया सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये गैस को जलाएंगे तो क्रैकिंग नॉइज देती है, तो ये रिएक्शन हो गया, बैलेंस डी ऑलरेडी क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का रीजनिंग वाला है। सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वैसा ही है, इस बार सब्सटेंस अलग है, एक्स है, इसमें डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या बनता है, गैस तो बनी, वो गैस एफरवेसेंस है। मैं बता चुका हूं बच्चों, एफरवेसेंस शब्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए यूज होता है। एफरवेसेंस का मतलब होता है झाग रूपी गैस, तो झाग के रूप में CO2 गैस ही बनती है, ये बुलबुले निकलेंगे छोटे छोटे, ये झाग बनेगा पूरा, तो गैस वही बनेगी। विच वेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये लाइम वाटर, देखो ऊपर ये रहा फॉर्मूला CaOH2, इसमें से पास कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो जाती है इसमें, इसके साथ रिएक्ट कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का पाउडर है, और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल पाउडर बनने के कारण सॉल्यूशन व्हाइट हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 गैस की पहचान क्या, CO2 व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट
टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की. लाइम वाटर अदरवाइज ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस है, इसमें से CO2 पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण. कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल है. ठीक, तो CO2 गैस की पहचान है लाइम वाटर से पास कर दो, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो CO2 गैस है. हाइड्रोजन की पहचान क्या है, हाइड्रोजन को जलाओ पॉपिंग साउंड आएगी तो हाइड्रोजन गैस है. तो एफर्वेसेंस शब्द CO2 के लिए ही होता है. तो कह रहा है एक सब्सटेंस एक्स है, उसको हमने एसिड में डाला, क्या निकला, गैस निकली CO2 गैस. अब बच्चों CO2 गैस पता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से ही निकलती है, समझ में आ गया. तो जो एक्स है हमारा कोई भी मेटल का कार्बोनेट भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है. पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं एसिड्स की, कि एसिड को यदि हम मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो CO2 और वाटर बनता है. तो ये वही रिएक्शन है, समझ में आ गया. और CO2 गैस जो होती है लाइम वाटर को मिल्की बना देती है. बोलता है एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड. तो बच्चों एक्स क्या होना चाहिए, मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट. और एसिड डालेंगे तो एसिड के साथ में जो CO2 गैस बनेगी एफर्वेसेंस, CO2 की पहचान बता दिया मैंने, लाइम वाटर में से पास करेंगे CO2 को तो CO2 लाइम वाटर को मिल्की बना देती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट. तो देखेंगे, देखो एक्स क्या है बताओ, एनी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, या तो मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, दोनों के साथ ही एसिडेट करके CO2 गैस बनाएगा. तो एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, मेटल का बाइकार्बोनेट NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये कार्बोनेट है, MgCO3 कार्बोनेट है ये बाइकार्बोनेट है, और y हमारा CO2 एफर्वेसेंस जो होगा CO2 गैस का ही बनेगा. एक रिएक्शन लिख लेते, किसी के साथ भी ले सकते, मैंने बाइकार्बोनेट से लिख लिया. ठीक, तो NaCO3 ले लिया हमने, NaCO3 ले लिया. अब इसके साथ हमने एसिड H2SO4 लेना है, तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर दोनों पक्का बनेगा. तो ये है एफर्वेसेंस का मेन कारण, CO2 गैस. और सोडियम का क्या बनेगा, सल्फेट. तो H2 और ये HCO3 मिलके CO2 और वाटर बनाने वाले हैं. ठीक है, ओके, बैलेंस कैसे करेंगे अभी दिखा देते हैं. चलो मैं यहाँ से सपोज ये 2 हटा लेता हूँ, हट गया जी, और यहाँ से ये 2 हटा लेता हूँ, ये भी हट गया. ठीक है, तो बैलेंसिंग बच्चों ऑड इवन वाला फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत आसान है. ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ से NaCO3 H2SO4. तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया, Na प्लस वन होता है SO4 माइनस टू, तो टू इधर लग गया, वन लगाने की आवश्यकता नहीं, CO2 वाटर ये तीनों बन गए. ये दोनों कंपाउंड हमको पता ही है, H2SO4 दे रखा है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया. चलिए तो एफर्वेसेंस इसकी है, अब बैलेंसिंग करते हैं. ठीक, तो देखो यहाँ पे Na कितने हो गए, दो. यहाँ पे Na क्या है, एक ही है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, टू लगा देंगे. ठीक है, तो Na बराबर हो गया. अब बच्चों सल्फेट देखो, यहाँ पे एक ही बार है SO4, यहाँ पे भी एक ही बार है, तो कोई दिक्कत नहीं, सल्फेट को छेड़ना नहीं है. ठीक है, अब हमको चेक करना है कार्बन. देखो यहाँ पे टोटल कार्बन दो गए, दिख रहा है, टू लगा हुआ सी पे, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे टू होना चाहिए, लग गया टू. अब हाइड्रोजन चेक करते हैं बच्चों, एसिड में दो हाइड्रोजन और यहाँ पे देखो दो ये लगे, दो तो चार, तो सारे हाइड्रोजन इधर वाटर में, तो यहाँ चार करने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा टू, ये हो गया हमारा बैलेंस. समझ में आ गया, इस प्रकार से बैलेंस कर देंगे. और ये CO2 गैस को अगर लाइम वाटर में से पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का है और इनसॉल्युबल है पानी में. ये तो मैंने बाइकार्बोनेट के साथ लिया, एक कार्बोनेट के साथ भी ले लेते हैं रिएक्शन. अब देखो व्हाइटनेस क्यों आया, ये CO2 गैस है, इसको लाइम वाटर में से पास किया, तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसमें से पास करेंगे तो बच्चों इसमें एक तो पानी अलग निकल जाएगा. ठीक है, H2 तो देखो ये दो OH है, OH OH, इसमें से वाटर निकालते तो H तो दोनों निकल के एक हो, एक हो बचा, वो OH के साथ जुड़ के CO3 बना लेगा और CA, तो CaCO3. ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, ये पानी में घुलता नहीं है, तो यही मिल्की अपीयरेंस देता है, इसके कारण सॉल्यूशन सफेद हो जाता है, व्हाइट है, इनसॉल्युबल है. क्लियर है, तो ये सेकंड वाला पार्ट है. तो सेम हम जोड़ा इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी कर सकते हैं, कि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हमने एसिड डाला तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CO2 और वाटर बनेगा, और CO2 को पास किया लाइम वाटर में से तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है. कोई एक एग्जांपल हमको लिखना था यहाँ पे. तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बच्चों पीएच क्या होता है. पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. कैसे पता लगेगा, कोई भी एसिड अगर हम दो ले लें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो एसिड और बेस की तुलना करने के लिए एक स्केल डिवाइस की गई है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं. डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे रिएक्शन अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे, और स्पेशली जो यूजेस है उसको अच्छे से एक एक वन बाय वन स्टडी करेंगे. इंपॉर्टेंट जो यूजेस है उसको मैंने कलर में कोडिंग किया हुआ है, तो कलर में जिनको लेबलिंग किया हुआ है तो उनपे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, उनको अच्छे से तैयार करना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.